हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनर्जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम बात कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे तीन पार्ट थे, तो तीन पार्ट हमारे कौन से थे, ड्यूओडेनम, जजनम एंड इलियम। अब जो इलियम है वो इलियम कहाँ जाके खत्म हो रहा है और कहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, तो हम वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, कि इलियम कहाँ ओपन होगी, मतलब उसका एंड कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट अदर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करें, अपेंडिक्स, केकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, तो ये हमारे इसके पार्ट हो गए। ठीक, नेक्स्ट फिर आते हैं, दैसे फूड मूव्स थ्रू द केकम इनटू द कोलन। अब बात हम करते हैं, चलिए हम डायग्राम को पहले सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो इलियम था, मतलब इसमें हमारी क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी। क्या था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन था। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आके एंड हुआ, हमारा यहाँ पे आके एंड हुआ, और वो एंड कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हमारा एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है हमारा, वेस्टिजियल ऑर्गन, जो पहले कभी काम आता था लेकिन आज के टाइम में वो हमारा काम नहीं आता, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। तो कहां से स्टार्ट होती है, यहां से इसकी जर्नी स्टार्ट होगी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की। केकम, केकम के बाद फिर आएगा आपका कोलॉन्स, किसमें डिवाइड हो जाएगा ये आपके कोलॉन, कोलॉन के भी अपने पार्ट होंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, केकम, अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, केकम सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर कोलॉन, कोलॉन में हमारे अपने खुद के स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, सिग्मॉइड हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आ गया रेक्टम और उसके बाद एनल कैनाल। ठीक, तो नंबर वन, नंबर टू, मतलब ये पूरा कोलॉन है, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। तो ऐसे ये चार पार्ट में टोटल डिवाइड है। अपेंडिक्स पहले अलग आता था लेकिन अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका ऐसा कोई यूज नहीं है, तो अब ये केकम का ही एक पार्ट बनकर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन अपने साथ कैरी कर रहा था, जिसने डाइजेस्ट किया था, अब उसी फूड को उसने किस तरफ कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में उसने मूव करा दिया। तो वही चीज है, डाइजेस्ट फूड मूव्स थ्रू द केकम इनटू कोलन, कि अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहां आ गया, केकम में आ गया, केकम से फिर वो कहां चला गया, कोलन में चला गया, कहां चला गया, कोलन में। ठीक है, अब अगर हम अपेंडिक्स की बात करें, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुल प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक ही है, छोटा सा निकला हुआ है, बहुत छोटा सा। ठीक है, ट्यूबुल लाइक प्रोजेक्शन, द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द केकम। कहां से अराइज हुआ है, ये केकम से अराइज हुआ है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट आते हैं कोलॉन, कोलॉन भी क्या है, अपेंडिक्स ओपन इन टू द कोलॉन एंड डिवाइडेड, की अपेंडिक्स अब हमारी किसमें आ रही है, कोलॉन में ही आ रही है, केकम से तो अराइज हो गई, केकम उसका अपना एक पार्ट हो गया, अब वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट कोलॉन में ट्रांसफर होगा, तो ये किधर जा रही है, हमारे कोलॉन में जा रही है। ठीक, अब कोलॉन भी हमारा फोर पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग कोलॉन जो हमने बताया था, असेंडिंग जो हम पढ़ते थे, या तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या होगा, असेंडिंग, जो नीचे की तरफ आएगा ऊपर से वो डिसेंडिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, ये असेंडिंग, क्योंकि ये इधर से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर ये क्या रहा, ये हमारा ट्रांसवर्स रहा, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स, ये हमारा असेंडिंग, ये क्या है हमारा, डिसेंडिंग। इस तरीके से शॉर्टकट में याद रखेंगे, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है सिग्मॉइड, इज द लास्ट पार्ट ऑफ कोलॉन एंड कनेक्टेड टू द रेक्टम। ये क्या है, ये कोलॉन का लास्ट पार्ट है, कोलॉन का फोर पार्ट है टोटल, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। सिग्मॉइड क्या हो गया, कोलॉन का लास्ट पार्ट हो गया। तो ये लास्ट पार्ट किससे कनेक्ट है, रेक्टम से, कहां ओपन हो रहा है, रेक्टम में। ठीक है, कनेक्टेड टू द रेक्टम। अब देखिए, अब इसमें फ्लक्सेस आते हैं हमारे, क्या है, दो फ्लक्सेस हैं, दो अलग अलग, एक है असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलॉन के बीच में, एक है ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग के बीच में, दो फ्लक्सेस हैं, नीट है, याद रखिएगा इसको, ये है हमारा नीट और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो हेपेटिक फ्लक्सर है वो क्या काम करता है, इट रिसीव्स द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। ये क्या करता है, मेसेंट्रिक आर्टरीज से ब्लड को कैरी करेगा, दैट मींस ये डायरेक्ट एरोटा से ब्लड फ्लो ब्लड लेगा। ठीक है, और बाकी के बॉडी पार्ट्स में ये सर्कुलेट करेगा, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
ये इसका काम हो गया टेक ब्लड फ्रॉम द एरोटा एंड डिस्ट्रीब्यूट टू गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका स्प्लीनिक फ्लक्सर। स्प्लीनिक से समझ में आ रहा होगा स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है हमारा, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या रहेगा, इट रिसीव्स ड्यूअल ब्लड सप्लाइज फ्रॉम द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर एंड द इंफीरियर। ठीक है, ये क्या करेगा कि वहां से लेता चला जाएगा, रिसीव करेगा ड्यूअल ब्लड सप्लाई। ये क्या कर रहा था, ये सिंगल ब्लड सप्लाई को रिसीव कर रहा था, यहाँ पे दोनों आएंगी सुपीरियर भी और इंफीरियर भी। ठीक, नेक्स्ट में आता है आपका फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। की लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होंगे, नंबर वन एब्जॉर्बिंग वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की। वॉटर इलेक्ट्रोलाइट्स को चार्जेस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। नंबर टू प्रोड्यूसिंग द एब्जॉर्बिंग प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन्स की। विटामिन्स को भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें विलीज थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइक्रो विलीज। अब उसको भी हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मिंग एंड प्रोपेलिंग फीसेस टूवर्ड्स द रेक्टम फॉर एलिमिनेशन। अब ये क्या करेगा, ये उसको फॉर्म करेगा। अब जितना भी हमारा फूड था, जो भी हमारा काइम जो बनता हुआ आ रहा था, जो हमारा ब्रेकडाउन होता हुआ आ रहा था, उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड होते हुए आ रहे थे, वो सब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गए, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। जब वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए, जो वेस्ट था वो वेस्ट किधर की तरफ, अब वो पुश करेगा, वो उसको रेक्टम की साइड पुश करेगा। ठीक है, किधर पुश करेगा, रेक्टम की साइड पुश करेगा और वो वहां से उसको क्या करेगा, फीसेस को वो एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, फिर आता है हिस्टोलॉजी की। अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलेसिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा। सिरोसा भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिरोसा रहेगा, बाकी में वो फिर एडवेंटिशियस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम म्यूकोसा की बात करते हैं, सिंपल कॉलमर एपिथीलियम जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने डे वन से यही पढ़ा है। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो विद लॉन्ग माइक्रो विलीज, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे विलीज नहीं होंगी, यहाँ पे माइक्रो विलीज होंगी, जो विलीज के उसमें छोटे 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 पार्ट होंगे। इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ म्यूकस विच एड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फीसेस। ये क्या करते हैं, ये म्यूकस के थ्रू वो क्या रहेंगे, वो कवर रहेंगे और उनका काम क्या होगा, फीसेस को ट्रांसपोर्ट करने का। विलीज का काम क्या था वहां पे, एब्जॉर्ब करने का डाइजेस्टिव फूड को। यहाँ पे इसका काम क्या है, फीसेस को ट्रांसपोर्ट करने का, माइक्रो विली का काम। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैमिनर प्रोपिया, कनेक्टिव टिश्यूज होंगे फिल विद दी मैक्रोफेजेस प्लाज्मा सेल्स एंड अदर इम्यून सेल्स। ठीक है, लिम्फोइड्स वाले आ गए। नेक्स्ट आता है आपका सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा कंप्राइज ब्लड वेसल्स लिम्फ नोड्स एंड फैट टिश्यूज, ये इसमें आ गया। प्लस हमने इसमें क्या पढ़ा था, एक हमने माइजर प्लक्स पढ़ा था। नेक्स्ट आ गया आपका मस्कुलेसिस एक्सटर्ना, इनर एंड सर्कुलर दोनों रहेंगे। इनर जो रहेगी वो सर्कुलर लेयर रहेगी, जो आउटर वाली होगी वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर रहेगी। ठीक है, फिर आता है आपका सिरोसा। सिरोसा एक्सेप्ट वेयर इट अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, अगर जहां वो कहां तक रहेगा, जब तक वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच नहीं हो रहा, ठीक है, वहां पे तो सिरोसा मिलेगा, लेकिन जहां जहां वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच हो रहा होगा, मतलब लिवर से, पैनक्रियास से और आपके स्टमक से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, जहां जहां वो अटैच हो रहा होगा वहां पे एडवेंटिशिया होगा। इसके अलावा वो पूरे उसमें क्या रहेगा, सिरोसा रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे तीन हैं, कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लिवर। ठीक है, थैंक यू।